नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं रीट की जो परीक्षा है राजस्थान में शिक्षक बनने के लिए, और उसमें जो संस्कृत भाषा है उसमें एक प्रश्न आपका वाच्य परिवर्तन संबंधित आता है विद्यार्थियों। और जो वाच्य परिवर्तन संबंधित जो प्रश्न आता है उस प्रश्न को हल करने के लिए हमें वाच्यों को पढ़ना पड़ता है। और हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं कौन से वाच्य हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। अब कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप जब पढ़ते हैं कि जैसे हम लिखते हैं कर्तृवाच्य और इधर लिख लेते हैं हम कर्मवाच्य। अब देखिए जो कर्तृवाच्य होता है इसमें कर्ता जो होता है उसमें विभक्ति आती है प्रथमा, और जब हम इसको कर्मवाच्य में कर देंगे तो विभक्ति आ जाएगी तृतीया। इसी प्रकार से जो कर्म होता है इसमें आती है द्वितीया और इसमें आ जाती है आपकी प्रथमा। इसी प्रकार देखिए क्रिया, तो क्रिया कर्ता के अनुसार क्योंकि कर्मवाच्य है, और इसमें क्रिया कर्म के अनुसार। यह है विद्यार्थी, तो जब आप इसको देखेंगे तो इस प्रकार से हमको परिवर्तन करने हैं। अभी हम क्रिया के अनुसार चल रहे हैं और फिर जो अंत में हम देखेंगे वे उन प्रत्यय वाले देखेंगे, तवतु और तप्रत्यय। अब देखिए आप जैसे मान लीजिए एक शब्द होता है आपका अस्मद, और इसके जब हम प्रथमा में रूप देखते हैं तो इसके प्रथमा में रूप बनते हैं अहम, आवाम और वयम। ये हैं विद्यार्थी, ये तो हो गई प्रथमा, और इसकी जो तृतीया है, तृतीया जो होती है विद्यार्थियों इसकी, तो तृतीया में जो होते हैं जब आप देखेंगे तो कौन से हो जाते हैं, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मया आवाभ्याम और अस्माभिः। ये हैं विद्यार्थियों। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि जैसे मान लीजिए अहम दिया हुआ है उसमें, क्योंकि अहम एक वचन का है, प्रथमा एक वचन का, और कर्ता में क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा आती है तो प्रथमा आएगी। तो आपको क्या करना है, एक वचन का अहम है तो उसके स्थान पर क्या कर देंगे, मया कर देंगे, आवाम होगा आवाभ्याम कर देंगे, और वयम होगा तो अस्माभिः कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इन तीनों पे जैसे मैं वाक्य बनाता हूँ कि एक वाक्य है मैं लेख लिखता हूँ, मैं लेख लिखता हूँ। यह जो वाक्य, ये जो लेख शब्द होता है विद्यार्थियों इसके रूप राम की तरह चलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मैं लेख लिखता हूँ। तो देखिए मैं के लिए क्योंकि कर्तृवाच्य है ये, और कर्तृवाच्य में क्या है, कर्ता में प्रथमा आएगी, तो आप लिखेंगे अहम। लेख है, कर्म है, तो कर्तृवाच्य में कर्म में क्या आती है, द्वितीया विभक्ति, तो आप लिख देंगे लेखम। और लिख धातु होती है, लट लकार के ही पढ़ने हमें, तो देखिए लिखती, सॉरी अहम लेखम लिखामी। अब आप कहेंगे लिखामी क्यों आया है, लिखती क्यों नहीं आया है, क्योंकि विद्यार्थियों आप तैयारी कर रहे होंगे, आपको पता होगा कि ये जो अहम है ये उत्तम पुरुष का है,
उत्तम पुरुष एकवचन का। तो कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार चलती है? कर्ता के अनुसार। तो ये उत्तम पुरुष एकवचन का है, तो क्रिया भी किसकी आ जाएगी? आपकी उत्तम पुरुष एकवचन की। और उत्तम पुरुष एकवचन की जब क्रिया आ जाएगी तो लिखेंगे हम लिखामि। अब देखिए हमें वाच्य परिवर्तन करना है किसमें? कर्म में, कर्म वाच्य में। क्योंकि जब कर्म होगा तो कर्म वाच्य में बदलेगा, अगर कर्म नहीं होगा तो किस में बदल जाएगा? वह भाव वाच्य में बदल जाएगा। अब देखो ये है अहम, हमको पता है अहम तो तृतीया मया है, एक वचन है, हम लिख देंगे मया। क्यों तृतीया क्यों करेंगे? क्योंकि कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीया आ जाती है। फिर देखिए कर्म है तो कर्म में कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है, तो इसको लिख देंगे हम लेखः। क्या लिख देंगे? लेखः। अब मैंने आपको बताया था विद्यार्थियों धातु है हमारी यहाँ लिख, ठीक है, ऐसे होती है, और आधा है खा। मैंने आपको बताया था इस धातु में जोड़ देंगे या, इतना हो गया, क्योंकि इसमें जो मूल धातु है वो क्या है? लिख है। पीछे वाले जो होते हैं मैं आपको समझा दूं, जैसे ती तह अंति, सी थह थ, मी वह और मह, इनको हम हटा देते हैं उसमें से। क्या करते हैं विद्यार्थियों? इनको हटा देंगे, और हटा देंगे तो मूल धातु रह जाएगी। अब आपको देखना है ये जो लेख है एक वचन का है या द्विवचन का है, और लेख है क्योंकि नाम है, और नाम किस में? अन्य पुरुष में आ जाते हैं। तो हमें इसके अनुसार से देखिए ये वाला प्रत्यय लिख देंगे और ये बन जाएगा आपका लिख्यते। क्या बन गया? मया लेखः लिख्यते। अब देखिए इसी प्रकार से दूसरा वाक्य लिखते हैं हम। देखिए दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य लिख रहा हूं मैं आवाम, यानी हम दोनों। आवाम का मतलब क्या होता है? हम दोनों लेख लिखते हैं, ये है। तो देखिए आप लिखेंगे हम दोनों के लिए क्या हो जाएगा? आवाम, सॉरी हम दोनों लेख लिखते हैं, इसका जब अनुवाद करेंगे तो ये बन जाएगा आवाम। और देखिए ये कर्म है तो द्वितीय विभक्ति आ जाएगी लेखम, और लिख धातु है वह तो लिखा वह, यानी हम दोनों लेख लिखते हैं, क्योंकि यह उत्तम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी किसकी आ गई विद्यार्थियों? उत्तम पुरुष द्विवचन में। और जब उत्तम पुरुष द्विवचन में आ जाएगी क्रिया, अब देखिए इसके लिए अगर ऐसे आ जाता है कि भैया वाच्य परिवर्तन करो, क्योंकि इसमें कर्म है तो जिसमें कर्म होगा तो कर्म वाच्य में बदला जाएगा, और अगर कर्म नहीं होता केवल ये होता आवाम लिखा हुआ तो ये भाव वाच्य में बदल जाता। अब देखिए आपको पता है आवाम है या, तो क्या बदल देंगे? आवाभ्याम। ये द्वितीय विभक्ति है तो इसमें है, क्योंकि कर्म वाच्य कर्म में प्रथमा आ जाएगी, और प्रथमा आ जाएगी तो आप लिख देंगे लेखः। अब ये लिखाव है तो आपको पता है धातु कौन सी है इसमें? लिख, और यह जोड़ देंगे तो लिख्य बन जाएगा। लेख एक वचन है द्विवचन है? एक वचन है तो आप लिख देंगे लिख्यते। आप यूँ कहेंगे ये तो द्विवचन है, तो जो कर्म वाच्य होता है उसमें इसके अनुसार नहीं चलती क्रिया, किसके अनुसार चलती है? कर्म के अनुसार। कर्म एक वचन है तो क्रिया एक वचन आएगी, कर्म द्विवचन है तो क्रिया द्विवचन आएगी। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है पूरी तरह से। अब देखिए इसी प्रकार से अगर हम इसको द्विवचन में बना देते हैं, बहुवचन में,
अब देखिए बहुवचन बना दें हम, हम सब पुस्तक पढ़ते हैं, ये वाक्य है और ये कर्तृवाच्य का है विद्यार्थियों। तो हम सब है, आपको पता है हम सब के लिए क्या आ जाएगा, वयम, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों और वयम माने हम सब। और हम सब आ गया तो फिर अब आपको पता है पीछे व्यंजन है तो हम इसको क्या कर लेंगे, अनुसार रख लेंगे, ये अनुसार हो गया। और पुस्तक कर्म है, कर्म में द्वितीय आती है तो ये हो जाएगा पुस्तकम। और पठ धातु है विद्यार्थियों तो पठामः, क्यों ये महा आ जाएगा, क्योंकि जो कर्ता है वह उत्तम पुरुष बहुवचन का है और कर्ता जब उत्तम पुरुष बहुवचन का होता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की आएगी, तो ये हो गया पठामः। अब मान लीजिए हमको ये वाच्य परिवर्तन करना है, वो सिर्फ आपको यह लिख के देगा कि वाच्य परिवर्तन कीजिए, और जब वह वाच्य परिवर्तन करवाता है तो आपको ध्यान रखना है कि जब कर्म दे रखा है वाक्य में तो वह कर्म वाच्य में ही बदलेगा। कैसे, अब आपको पता है कि कर्तृवाच्य में ये स्थिति है, कर्म वाच्य में यह स्थिति है, तो देखिए कर्म में यह है तो इसको हम तृतीयांश बदल देंगे, ये हो जाएगा अस्माभिः, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, अस्माभिः। फिर उसके बाद देखिए पुस्तक में मैंने आपको बताया था प्रथमा और द्वितीया दोनों ही विभक्तियों में इनके रूप एक जैसे चलते हैं, तो आप लिख देंगे पुस्तकम। अब इसमें धातु क्या है, पठ है आप जानते हैं, यह जोड़ देंगे। अब पुस्तक एक है या बहुत हैं, तो पुस्तक एक है, एक है तो उसके अनुसार एक वचन का ये लग जाएगा पठ्यते। कर्म यदि मध्यम पुरुष का होगा तो मध्यम पुरुष के अनुसार लव से, तो पठ्य से लग जाता। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये करने हैं। अब देखिए ये जो है हमारा असमद शब्द, इस असमद शब्द में से एक प्रश्न आया है आपका रीट में, और एक जो प्रश्न आया है रीट में उसको देखिए किस प्रकार से पूछा गया है आपसे। देखिए अब देखिए तो आपसे किस प्रकार से पूछा गया है असमत से, एक प्रश्न पूछा है रीट की परीक्षा में आपसे विद्यार्थियों। देखिए ये प्रश्न पत्र है कि मया फलानी खाद्यन्ते, कौन सा है, मया फलानी खाद्यन्ते। तो देखिए ये है मया फलानी खाद्यन्ते, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरु, ये वाक्य दिया हुआ है और ये कहा है इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरु, ये बात आया है विद्यार्थियों। अब आपको पता है कि मया है तो किसके स्थान पे होता है, अहम के पे, अब अहम है देखिए ये हो जाएगा ऐसे। अब फलानी है तो इसको क्या करेंगे हम, फलानी है तो फलानी ही रहेगा क्योंकि प्रथमा और द्वितीया दोनों में एक जैसा रहता है। अब देखिए इसमें आपको पता है ये या जोड़ा हुआ है, ये अंत्य जोड़ा हुआ है, ये कहाँ से है, ये जोड़ा हुआ है आपका, तो आप क्या करेंगे इसमें धातु कौन सी है, खाद, खाद है, या को हटा देंगे और अंते को हटा देंगे। अब अहम है
तो ये बन जाएगा आपका खादामी। ये हो गया आपका वाच्य परिवर्तन। क्यों? क्योंकि अहम के स्थान पे मया होता है, फलानी का फलानी रहेगा। अब खादामी क्यों है? खादामी इसलिए है क्योंकि उत्तम पुरुष की क्रिया है, और उत्तम पुरुष का करता है तो क्रिया भी कौन सी आ जाएगी? उत्तम पुरुष की। अब देखिए इसने वाक्य क्या दे रखे हैं। देखिए एक वाक्य दे रखा है इसने, अहम फलानी खाद्यन्ते, अहम फलानी खाद्यन्ते। दूसरा कौन सा वाक्य दे रखा है? अहम फलानी खादामी, अहम फलानी खादामि। तीसरा जो वाक्य दिया है विद्यार्थियों, मया फलानी खाद्यते, मया फलानी खाद्यते। और चौथा है मया फलम खाद्यन्ते। तो मया फलम खाद्यन्ते। तो आपको ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों। तो देखिए कौन सा सही है? अहम आ रहा है, अहम आ रहा है, फलानी आ रहा है, फलानी आ रहा है, और खादामी आ रहा है, खादामी आ रहा है। इसलिए यह वाक्य हमारा सही है। तो इन वाक्यों का क्या है, हमें बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करना है विद्यार्थियों। जितने संभावित वाच्य परिवर्तन हो सकते हैं, धातु बदल सकती है, कर्ता का नाम बदल सकता है, लेकिन मैं आपको जितना संभव होगा उतना अभ्यास करा दूंगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।